लगता है रणवीर सिंह के स्टारडम के आगे शाहरुख खान फीके पड़ते जा रहे हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे है खास वजह। दरअसल एक टाइम था जब शाहरुख यशराज फिल्म्स की पहली पसंद हुआ करते थे। यश चोपड़ा के जमाने से लेकर आदित्य चोपड़ा तक सभी अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए शाहरुख खान को ही कास्ट करते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर मोहब्बतें, वीर ज़ारा, दिल तो पागल है, रब ने बना दी जोड़ी और तो और जब तक है जान भी यशराज फिल्म्स के बैनर्स तले बनी है, जिनमें शाहरुख का ही रोमांटिक चार्म दिखाई दिया। लेकिन लगता है अब बॉलीवुड के बादशाह का रोमांटिक चार्म कम होता जा रहा है। यही वजह है कि साल 2016 में यशराज फिल्म्स ने रणवीर सिंह के साथ बेफिक्रे बनाई थी। फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। भले ही फिल्म कोई कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन आदित्य एक बार फिर अपने बैनर के तले बन रही फिल्म में रणवीर को साइन करने जा रहे हैं, जिससे साफ कहा जा सकता है कि अब आदित्य को भी यही लगता है कि रणवीर ही बॉलीवुड के नए रोमांटिक एक्टर हैं। बता दें कि रणवीर सिंह की इस फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्ट करेंगे, तो वहीं आदित्य इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। इस फिल्म में एक बार फिर रणवीर दीपिका की जोड़ी रोमांस करती नजर आएगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।